दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री में मोबाइल स्टैंड कैसे बना सकते हो, वो भी अपने घर में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश राजपूत, बहुत दोस्त होता हूँ जहर एक्सपेरिमेंट चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो मोबाइल स्टैंड बनाने के सबसे पहले आपको एक पीवीसी पाइप चाहिए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक पीवीसी पाइप ले रखा है। आप कोई पीवीसी पाइप ले सकते हैं, बट ये मेरा बहुत मोटा है, आप थोड़ा पतला लीजिए। सबसे पहले इसको आरी ब्लेड से आपको कट कर लेना है, कट करने के बाद इसको सीट बना लेना। चलो मैं इसको फटाफट से सीट बना लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी सीट बना ली है, आपको भी ऐसी सीट बना लेना है। इसके आपको मेजर दिखा देता हूँ कितनी बड़ी है, कितने कितने पर आपको मोड़ना है। तो यहाँ से आपको ऐसे कट कर लेना, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, आपको ऐसे ऐसे कट कर लेना है। तो कट करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको यहाँ पे लकीर दिख रही होगी, यहाँ से आपको हीट गन से हीट करके या तो फिर गैस में हीट करके आपको इसको यहाँ पे मोड़ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट हो चुकी है। तो आपको एक स्केल लेना है, तो पटाटे कुछ भी ले सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा आपको ऐसे दबा लेना है। उसके बाद आपको ऐसे इसको मोड़ देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे मोड़ लिया है। इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही दबाए रखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हीट होने के बाद थोड़ी सी अच्छी से सेव आ गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे जहाँ पे मैं स्केल रखना हो, इसके बाद यहाँ से आपको ऐसे ऊपर क्रम मोड़ देना। चलो मैं आपको मोड़ के दिखा देता हूँ। इसको मोड़ने के लिए भी आपको यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, या तो आप गैस से या तो हीट गन से या किसी भी चीज़ से आप इसको हीट कर सकते हो। चलो मैं इसको फटाफट से हीट गन से हीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट हो चुकी है। चलो मैं इसको यहाँ से भी इसको मोड़ देता हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से मोड़ लिया है, इस तरह आपको भी मोड़ लेना है। उसके बाद जो नुकीली नुकीली पिन दिख रहे हैं, इसको भी मोड़ लेना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे मोड़ना है इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको भी मोड़ लिया है, आपको भी इसी तरह मोड़ लेना है, ताकि आपका मोबाइल इसमें एडजस्ट तरह से रख जाए अच्छे से। तो आपको एक होल कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पट्टी भी लगा दी है, ताकि ये अपना स्टेबल में रहे, गिरे ना। तो देख सकते हैं मैंने इसमें होल कर लिया है, इसको आपको थोड़ा बड़ा कर देना है। इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा हीट करके और कैंची से घुमा देता हूँ, ताकि इसका होल अच्छे से हो जाए। और उसके बाद इसका आपको रेत मार पेपर से अच्छे से साफ कर देना है। तो मैंने रेत मार पेपर ले लिया, उसके बाद मैं इसको पूरी तरह से अच्छे से साफ कर देता हूँ, ताकि मतलब देखने में भी अच्छा लगे। तो यहाँ चलो मैं फटाफट से इसको साफ कर लेता हूँ पूरे में, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। पूरी तरह साफ हो चुका है। चलो मैं इसको मैं पेंट कर देता हूँ। फिर पेंट करने के बाद आपको यहाँ पे मैं इसमें पेंट कर रहा हूँ, और इसमें आप कोई भी कलर कर सकते हो जो आपको मन पसंद हो। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बनकर रेडी हो चुका है, इसमें पेंट भी कर दिया है और 24 घंटे हो चुके हैं, इसको सूख भी गया अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से सूख गया है। और इसमें आपको मोबाइल रख के दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने होल किया था, ये यहाँ पे होल भी है। ये होल इसलिए किया था ताकि आप यहाँ पे चार्जर केबल लगा सको, और चार्जर केबल लगा के यहाँ पे आपको मोबाइल रखने में चार्जिंग भी हो सके। मैं आपको इसमें मोबाइल रख के दिखा देता हूँ कैसा फील आता है, कैसा दिखता है। देखते हैं ये रहा मोबाइल, इसको आपको ऐसे खड़ा कर देना, देख सकते हैं आराम से खड़ा हो जाता है और ये गिरता भी नहीं है। आप ऐसे भी मोबाइल लगा सकते हैं, और आप ऐसे भी मोबाइल ले सकते हैं, किसी भी तरह लगा सकते हैं, और इसको कहीं कहीं भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, ये मोबाइल भी नहीं गिरेगा। और आपको यहाँ पे चार्जिंग भी लगा सकते हो, यहाँ से चार्जिंग भी फंस जाएगी आपको, और यहाँ पे आप चार्ज भी मोबाइल लगा सकते हो। तो स्टैंड आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने साथ साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पता है मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और जिसपे वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।